सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल कार फॉर यू में। मैं आपका दोस्त गितेश लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है ऑल्टो K10 और क्विड के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्टो K10 मैंने क्यों खरीदी, मुझे इसमें ऐसे कौन से फीचर्स लगे जिसकी वजह से मैंने दोस्तों ये ऑल्टो K10 खरीदी। तो वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स बताऊंगा ऑल्टो K10 और क्विड के। तो सबसे पहले दोस्तों, इसी रेंज में ऑल्टो K10 की रेंज में इसकी कॉम्पिटिटर दोस्तों आपको पता ही है क्विड रेनॉल्ट्स की, देखने में बहुत ही शानदार दिखती है दोस्तों क्विड ऑल्टो K10 के मुकाबले आज के टाइम में, और फीचर भी ऑल्टो K10 के मुकाबले आपको उसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं उसकी तरह अट्रैक्ट होते हुए मैंने सबसे पहले क्विड के शोरूम में जाकर को क्विड की मैंने टेस्ट ड्राइव ली। तो सबसे पहले दोस्तों जो मुझे उसके माइनस पॉइंट लगे वो है उसकी बिल्ड क्वालिटी, जो बहुत ही दोस्तों डल कह सकते हैं, बेकार बिल्ड क्वालिटी है। प्लास्टिक और साथ ही साथ आयरन की जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों बहुत ही बेकार दी गई है ऑल्टो K10 के मुकाबले। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही मैंने इंजेक्शन में की लगा के उसे स्टार्ट किया तो दोस्तों उसमें नॉइस होने लगी और आवाज़ करने लगी वो कार, आपको कैबिन तक आवाज़ आती है जैसे ही इंजन ऑन होता है, और कार थोड़ी सी वाइब्रेट भी होगी। जबकि ऑल्टो K10 में जैसे ही मैंने इंजेक्शन में की लगाई तो दोस्तों आप मानेंगे नहीं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी ऑन भी हुई है या नहीं, जैसे खड़ी थी वैसे की वैसे ही ऑन हो गई। उसके बाद दोस्तों मैंने क्विड को सिटी में चलाया तो उसके गियर दोस्तों मुझे बारी बारी चेंज करने पड़े, जबकि दोस्तों ऑल्टो K10 में आपको गियर चेंज करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा चलाते रहेंगे तभी आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, परंतु क्विड के अंदर दोस्तों आपको लगातार गियर चेंज करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोस्तों डिफरेंस है। अब मैं दोस्तों आपसे क्विड के थोड़े प्लस पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। ये तो थे माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट मुझे जो दोस्तों लगे ऑल्टो K10 के मुकाबले वो है उसके फीचर्स। सबसे पहले दोस्तों आपको उसमें स्क्रीन टच मिल जाएगी, स्क्रीन और नेविगेशन मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लचर जो दोस्तों आपको डिजिटल मिलेगा, और भी कई ऐसे फीचर्स है दोस्तों ऑल्टो K10 के मुकाबले जो बहुत ही शानदार है। परंतु दोस्तों, फीचर होना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ऑल्टो K10 लाइफ टाइम के लिए आपका साथ देगी और क्विड बहुत ही कम समय के लिए साथ देगी। उसके बाद दोस्तों, मैंने जैसे इसकी ड्राइव की तो मैंने सोचा, एक बात मेरे दिमाग में हो रही है कि इसके जो दोस्तों सर्विस सेंटर्स हैं वो ऑल्टो K10 के मुकाबले बहुत ही कम है, जबकि ऑल्टो K10 के सर्विस सेंटर दोस्तों इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आज हर एक गांव में आपको इसके सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, हालांकि और क्विड के दोस्तों आपको पता ही है कि क्विड कुछ सालों में अभी आई है तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी और उसके सर्विस सेंटर भी दोस्तों इतने नहीं है। तीसरी जो दोस्तों बात वो है इसका इंजन चैम्बर। ऑल्टो K10 और क्विड का दोस्तों जो इंजन चैम्बर है इनमें रात दिन का आपको अंतर मिलेगा। क्विड का जो दोस्तों आपको इंजन चैम्बर दिया जाएगा वो होगा प्लास्टिक का, जबकि ऑल्टो K10 का चैम्बर इंजन चैम्बर आपको दिया जाएगा एल्यूमिनियम का। इसमें क्या फ़र्क है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसमें आपको क्या नुकसान होगा और क्या घाटा होगा। सबसे पहले दोस्तों, इंजन चैम्बर आपको अगर प्लास्टिक का दिया रहेगा तो नीचे पत्थर लगने से आपका इंजन चैम्बर टूट सकता है, जबकि ऑल्टो K10 के मुकाबले क्विड का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस होना ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, जब तक आपको दोस्तों नीचे वाली चीज़ ही प्लास्टिक की दी गई है तो ग्राउंड क्लियरेंस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पत्थर कितना भी बड़ा हो सकता है दोस्तों, उसमें लगने के बाद आपका जो इंजन चैम्बर है वह टूट जाएगा। जबकि ऑल्टो K10 का ग्राउंड क्लियरेंस कम है और इसमें जो इंजन चैम्बर दिया गया है दोस्तों वो एल्यूमिनियम का है, जिससे कोई भी पत्थर कितना भी आपको नीचे लगे गाड़ी के तो उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना कि क्विड के अंदर पहुंच सकता है। तीसरा जो फीचर है दोस्तों इसका, जो प्लास्टिक मटेरियल है
क्विड के मुकाबले बहुत ही शानदार है ऑल्टो केटैन का प्लास्टिक मटेरियल, जबकि क्विड का प्लास्टिक मटेरियल दोस्तों इतना बढ़िया नहीं है। तो दोस्तों आखिरी बात यही कि ऑल्टो केटैन और क्विड के अंदर अगर देखा जाए तो ऑल्टो केटैन ही बहुत बढ़िया और शानदार गाड़ी मानी जाती है, और मेरे हिसाब से आपको वही लेनी चाहिए। जबकि क्विड में आपको फीचर ज़्यादा मिल जाएंगे, परंतु दोस्तों फीचर अगर आप अपनी समझ से देखें तो फीचर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको लाइफ टाइम की जो चीज़ बढ़िया मिलेगी वो ही ज़रूरी है। तो आप अब दोस्तों अपनी सोच विचार करके गाड़ी ले सकते हैं, क्विड लेना चाहें तो क्विड ले सकते हैं, अगर ऑल्टो केटैन लेना चाहें तो ऑल्टो केटैन ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स ऑल्टो केटैन के। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। लगने का दे।